दोस्तों आप सभी का मैथ बाई सारसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, 10 तारीख का HSC ग्रुप डी में इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ का जो पोर्शन है उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम यही चेक करेंगे कि जो मैथ क्वेश्चन आए थे उनको आसानी से कैसे सोल्व करें और आगे आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर है। इस जो दोनों से मिला के एक वृत्त बनेगा दोस्तों, और उस वृत्त दोनों की परिधि का जोड़ है वो नए वृत्त के परिधि के बराबर है। तो उस नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हमें बतानी है। एक बार दोबारा पढ़ते क्वेश्चन को। दो वृत्तों की त्रिज्या 13 और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिस की परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका जो बेस है उसे करवाता हूँ कि जो अगर हमारे पास पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या है कितनी 13, तो यहाँ से जो सर्कमफेरेंस की परिधि हो जाएगी वो होती है दोस्तों 2πr, यानी 2π के जगह लेंगे r, r कितनी हमारे पास 13, यानी ये हो जाएगी दोस्तों 13 × 26π, कितनी हो जाएगी 26π। ये पहला वृत्त है। अब दूसरा वृत्त था उसकी त्रिज्या कितनी है, उसमें r कितनी है दोस्तों 6, तो यहाँ से इसकी परिधि कितनी हो जाएगी सर्कमफेरेंस, वही होगी 2πr, और यहाँ पर 2, और पाई का मान कितना दोस्तों वही है 22/7 लेना, नहीं पाई की जगह पाई रख दो आप, और r की जगह लेंगे 6, यहाँ से हो जाएगा 6 × 12π, कितनी हो जाएगी 12π। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के जोड़ के बराबर एक नया वृत्त बनेगा। मान लो हमारे पास एक वृत्त ये है एक वृत्त ये है, इन दोनों की परिधियों को जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, और इस जो वृत्त बनेगा उसके हमें क्या बनानी है, त्रिज्या बतानी है दोस्तों। अब इस वृत्त की आगे पहले वाली 26 आ गई, इसकी आगे 12π, टोटल जोड़ेंगे तो दोनों का इसका था दोस्तों 26π प्लस इसका था 12π, दोनों का आंसर आ गया कितना 26 और 12 38π दोस्तों। ये आ गया इसका इसकी परिधि आ गई क्योंकि दोनों के जोड़ के बराबर इसकी परिधि थी, और ये जो दोस्तों है हमारे पास जो इसकी परिधि आ गई 38π। अब ये जो है परिधि होती है 2πr, ये बराबर रख देंगे इसके 38π के बराबर दोस्तों। अब ध्यान से देखो, पाई से पाई कट गया, 2r बराबर है 38 और r बराबर है 38/2, 38/2 यानी कितना आ गया 19, r की वैल्यू दोस्तों आ गई 19। लेकिन दोस्तों ये जितना भी हमने काम किया यहाँ से लेकर जितना भी काम किया है सारा, इस करने की दोस्तों मैं कहता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को। बस एक चीज़ ध्यान से देखो इसका आंसर निकालने के, बिल्कुल आसान से ट्रिक है दोस्तों, एक सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, केवल एक सेकंड में। वो क्या थी, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 है, तो दोनों के जोड़ के बराबर एक नई परिधि बनेगी। उस वृत्त का हमें क्या बताना था, उसकी त्रिज्या बतानी थी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे, त्रिज्या एक कितनी हमारे पास 13, दूसरी त्रिज्या कितनी थी 6, इन दोनों त्रिज्याओं का प्लस कर दो दोस्तों, उत्तर आ जाएगा नए की त्रिज्या आ जाएगी दोस्तों 13 + 6 = 19, कितना उत्तर आ जाएगा 19। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो ये हमारे पास है 13 है इसको और इस त्रिज्या को जोड़ दो, नए वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, बस इतना था दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी पहले की त्रिज्या है 13, दूसरे की त्रिज्या 6, दोनों को जोड़ दो 13 और 6 = 19 दोस्तों, आ गया इसका आंसर। तो आंसर था इसका 19। तो आया दोस्तों सुनने, कितना आसान पड़ा था, एक सेकंड में बता सकते थे इसका आंसर, कि बस इसमें क्या करना है, 13 और 6 को जोड़ना था, 13 और 6 = 19 आंसर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह संख्या क्या है जिसमें अंकों का योग 4 गुना है, यानी संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, यदि इसमें 18 जोड़ दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है, तो संख्या क्या है। दोस्तों बहुत ऐसा आसान सा प्रश्न दिया गया है, इसको ध्यान से दोबारा देखेंगे हम, कि संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, यदि इसमें 18 जोड़ दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है, तो संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको भी आप विद इन 4 सेकंड में या 5 सेकंड में आराम से कर सकते हो। पहला पॉइंट था आधा आंसर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों इसमें कि संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है,
संख्या है वो अपने अंकों की योग की चार गुना है। तो इसी से इसका आंसर निकालें दोस्तों, यहाँ पर इनका जो जोड़ है यानी 42 में चार और दो, दोस्तों हमारे पास चार और दो का जोड़ कितना आ गया, छः, दोनों का जोड़ कितना आ गया, छः। क्या इसका चार गुना 42 है, चार छः 24 दोस्तों 42 नहीं है, चार यानी अंकों का जोड़ आ गया चार दो छः, यानी ये जो छः है जोड़ है इसका चार गुना संख्या होनी चाहिए थी, यानी चार से गुना करो तो ये खुद संख्या होनी चाहिए थी, तो चार छः 24 आ रही है दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी जोड़ कितना आ गया दोस्तों, देखो क्वेश्चन में ध्यान देखो, संख्या अपने अंकों के योग की चार गुना है, तो पहले अंकों का योग करेंगे चार दो छः, अब इसको चार से गुना करेंगे, चार छके 24, देखो दोस्तों बिल्कुल प्रवाही संख्या आ चुकी है हमारे पास। एक बार इसमें जोड़ करके देखते हैं, ये ट्रिक कर देते हैं, अंकों का जोड़ कितना आ गया 9, 6 3 9, इसको चार से गुना करेंगे तो दोस्तों ये भी गया 9 चौके 36, ये भी आ रही है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी हट चुका है, ये दोनों में से एक बताना भी, एक कौन सा है उसके लिए हमने अभी तक आधा क्वेश्चन पढ़ा था, अब उससे आगे पढ़ते हैं। यदि संख्या में 18 जोड़ दें, जो भी दोस्तों ये संख्या रही है, यदि इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो इस अंक संख्या के अंक बदल जाते हैं, यानी बात करें हम 24 और 36 में से आंसर होगा, अगर 24 में 18 जोड़ेंगे तो 4 आगे चल जाएगा 2 पीछे आ जाएगा, या 36 में 18 जोड़ेंगे तो 6 आगे चल जाएगा और 3 पीछे चल जाएगा। चेक करके देखते हैं दोस्तों एक बार, इस संख्या में 18 जोड़ो, अगर ये जोड़ यानी 4 आगे आ गया और 2 पीछे आ गया तो ठीक है, और इस संख्या में 18 जोड़ो, अरे यहाँ पर 6 आगे आना चाहिए, यहाँ पर 6 आगे आना चाहिए और 3 पीछे आना चाहिए, कौन सा सी, देखो 8 4 12, 2 1 3 1 4, ये बिल्कुल मिल गया दोस्तों, यानी इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर 6 और 3 8 6 14, ये 63 जोड़ नहीं आ रहा दोस्तों, यहाँ पर जोड़ कितना आएगा 8 14 4 1 5 54 आएगा, यानी 63 नहीं आया दोस्तों, यानी इसमें अगर 18 जोड़ दें तो 63 आता तो ये ठीक, ये नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बचा क्या था कि संख्या के अंकों का चार गुणा करके देख लिया, अंक थे 4 2 6 6 का जोड़ 4 से गुणा कर दिया, 6 चौके 24, और इस 24 में अगर हम 18 जोड़ें तो अंक पलट जाएंगे, 4 आगे आ जाएगा 2 पीछे आ जाएगा, बिल्कुल 8 4 12 2 3 1 4, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों 24। आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से करना, कन्फ्यूज नहीं होना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 गणों को आपस में जोड़ दिया गया है तो इस प्रकार बने नए जो ठोस बन गया, नया जो घनाभ बन गया, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दोस्तों 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 गणों को आसन जोड़ा है, आपस में जोड़ दिया गया है तो ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन था हमारे पास 15 175 350 और 90, जिनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी मैं एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताता हूँ, ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, पहले बहुत बार रिपीट होता है कि एक घन होता है, घन में दोस्तों क्या होते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि तीनों साइड इक्वल होती हैं, उन तीनों को जोड़ेंगे, जैसे मैंने एक घन लिया, ये मेरे पास इसकी साइड सबकी कितनी कितनी थी, 5 5 थी, 5 ये लंबाई होगी, 5 चौड़ाई होगी और 5 इस क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। इस प्रकार के 3 घन थे हमारे पास, कितने थे 3, तीनों को आसन में जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया गया, पहला होगा ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, तीनों को जोड़ के क्या बना देगा, एक ठोस बना देगा, यानी एक घनाभ बन गया, क्या बन गया, ये घनाभ, इस घनाभ का ही क्षेत्रफल बताना था दोस्तों इसकी, जो ये तो है बाय ट्रिक, मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूँ इसकी कैसे करना, आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं इस फेस को देखूँ दोस्तों, ध्यान देखो, ये जो फेस है मेरे पास, ये जो यानी ये सतह है, ये मेरे को वर्ग दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही है, वर्ग, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5, तो क्या होगी, ये वर्ग बन गया, क्या बन गया, एक वर्ग। तो इस प्रकार इस वर्ग का यदि एक भाग का क्षेत्रफल देखूं दोस्तों, इस एक अकेले का क्षेत्रफल देखूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा गुणा भुजा, यानी 5 गुणा 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों मेरे पास इस एक हिस्से का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वर्ग दिख रहा है, एक सतह है ये वर्ग दिख रही है, तो ऐसी टोटल कितनी सतह है हम ये काउंट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत यहां पर, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंड में सोल्व कर लो, अगर आज आपने समझ लिया इसको, कोई फार्मूला नहीं है, बस आसान सी ट्रिक है। ऐसे कितने वर्ग बनेंगे, 1 2 3, यानी एक साइड में 3 वर्ग बने, एक साइड में 3 वर्ग। तो दोस्तों यहां मेरे को एक साइड ये होगी, एक ये होगी 2, एक पीछे 3 है, एक नीचे 4, टोटल साइड होगी 4। दोबारा देखो, एक साइड में 3, 1 2 3,
और तीन ही ऊपर है, यानी तीन वर्ग की बात करूं दोस्तों, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार पांच छह, छह इधर है तो छह नीचे बच गए, इतने टोटल हो गए बारह, बारह वर्ग ये हो गए और दो साइड में बच गए, बारह और दो चौदह, टोटल वर्ग हो दोस्तों चौदह वर्ग हो गया ऐसे, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 25, तो ऐसे टोटल हो गए 14। दोस्तों ये 14 कैसे आए, वो चीज ध्यान से देखो एक बार, 14 कैसे आए हैं, एक दो तीन, एक साइड में तीन, तीन इस साइड में छह, तीन इसके पीछे होगी उसमें तीन तीनों, और तीन जो नीचे है तीन चौके 12, यानी किसी भी चीज में दोस्तों चार सतह होती हैं राउंड में, वैसे सतह होती हैं कितनी छह, लेकिन यहां पर चार एक साइज की और दो एक साइज की हैं, तो जो एक साइज की दो हैं उनमें तो एक यहां बनेगा वर्ग, एक यहां बनेगा, दो वर्ग ये हो गए और तीन तीन छह, तीन तीन और तीन चौके 12, 12 दो 14, टोटल वर्ग हो गए दोस्तों 14, और एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो है कितना 25, तो दोस्तों 14 का कितना हो जाएगा ये हमें देखना, तो एक वर्ग का है 25, पाँ पाँ 25, तो 14 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 14 पाँच 70 की 0 असल 7, 14 दुनी 28, 28 और 7 दोस्तों होते हैं 35, तो ये हमारा आंसर आ गया सीधा 350 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बच गई इससे हमारी, हमने क्या किया कि एक घन था हमारे पास जिसकी भुजा थी 5, यानी घन में सारी भुजाएं 5-5 होती हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिए जो घन है ये जो घन दिख रहा है ये क्या बनेगा, एक फेस है ये वर्ग बनता है, यानी एक घन के अंदर 6 वर्ग होते हैं, एक घन में 6 वर्ग होते हैं, तो ये घन तीन थे इस प्रकार के आपस में जोड़ के एक ये घनाभ बना लिया गया, इस पूरे का क्षेत्रफल बताना था, तो ऐसे हमारे पास कितने वर्ग बने, एक दो तीन, एक साइड में तीन तो तीन इधर छह, तीन जस्ट इसके सामने और तीन इसके बिल्कुल नीचे, तो चार सतह होगी, एक में तीन है चार में होगी 12, और दो ये बच गया एक इधर होता है एक इधर होता है, 12 और दो 14, टोटल वर्ग हुए 14, एक वर्ग का हो जाएगा 5 बुझाए तो 5 5 25, तो 14 का हो जाएगा दोस्तों 350, ये तो था दोस्तों बाय ट्रिक इसका आंसर, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा कितना 350 इसका दोस्तों आंसर है। और दोस्तों मैं आपको ये वर्ग काउंट करने की एक ट्रिक और बता रहा हूँ, अगर ये इसमें साफ दिया गया है कि कितने घनों को जोड़ के बनाया गया, तीन घनों को जोड़ के बताया गया, अगर तीन घनों को यदि तो आसन में जोड़ा जाता है, मीन्स आपस में जोड़ा जाता है, तो दोस्तों कुल वर्गों की संख्या होती है कि तीन हमारे पास घन थे इसका चार गुणा कर दो, तीन का चार गुणा आ गया 3 चौके 12, इसमें दो प्लस कर दो, यानी चार गुणा में दो प्लस कर दो वो इतने घन आएंगे दोस्तों हमारे पास। अगर मैं बोलता हूँ अगर पांच घनों को जोड़ा जाता, कितने घनों को, पांच घनों को, तो पांच का चार गुणा करेंगे 5 चौके 20, पांच का चार गुणा करेंगे दोस्तों 5 चौके 20, तो 20 हमारे पास आ गया, प्लस दो कर देंगे टोटल हमारे पास हो जाएंगे 22, टोटल हो जाएंगे 22, यानी 22 वर्ग का निकालना, एक वर्ग मान लो 5 5 25 का है तो 22 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 से गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ये बड़ा आसानी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ इसमें, कहते 5 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, वो होगी 3 वर्ष बाद होगी कितनी 3 गुनी, और 5 वर्ष पहले क्या थी 5 गुनी थी, तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, अगर हम इसमें 5 वर्ष पहले बोलें तो 5 वर्ष पहले ये था 5 का, ऑप्शन से करें दोस्तों ध्यान देना, 5 साल पहले कितने, आज 10 का है तो कितना हो जाएगा 5 से पहले 5 का, और 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा दोस्तों कितने का 13, ठीक है, तो तीन ये होगा 3 वर्ष बाद, ये 5 साल पहले हो गया, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा आज 10 का तो 13, और 5 साल पहले हो जाएगा 10 का तो कितना हो जाएगा 5 का, तो 5 वर्ष पहले तो था कितना 5 गुना, तो 5 का 5 गुना होगा दोस्तों 25, कितना हो गया 25, और 3 वर्ष बाद है 3 गुना, तो 3 वर्ष बाद है 13, 13 का 3 गुना 13 3 39, 13 3 39, अब ध्यान से देखो दोस्तों, 5 साल पहले 5 का 5 गुना होना चाहिए, 5 गुना था 10 का, तो 5 साल पहले कितना हो गया 5 गुना हो गया,
सॉरी 10 आज 10 का तो 5 साल पहले 5 का, तो 5 का 5 गुना होना चाहिए, क्योंकि देखो ध्यान से देखो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी 5 गुना, तो पुत्र आज 10 का तो 5 साल पहले हो जाएगा 5 का, तो 5 का 5 गुना 25 हो गया पिता, 3 साल बाद हो जाएगा 13 का, 10 का तो आज, तो इसका 3 होना चाहिए 13, तो यहाँ पर 5 3 8 साल हो गया, ये फासला हो गया 8 साल का, तो यहाँ पर भी दोस्तों 8 साल का अंतर आना चाहिए, कितने का आना चाहिए अंतर 8 साल का। क्या 25 और 8 39 होते हैं? नहीं होते दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन है नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये हो गया 5 साल ये और 5 3 साल ये, 5 और 3 है 8 साल का फासला हो गया, इधर भी 8 साल का फासला होना चाहिए, तो 25 और 8 होते हैं दोस्तों 34, 39 का भी नहीं होते, तो ये हमारा ऑप्शन है नहीं हो सकता। अगले चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। 5 साल पहले अगर आज ये 13 का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा 8 का, आज ये 13 का है तो 3 साल बाद हो जाएगा 16 का, कितना हो जाएगा 16 का, तो 5 साल पहले का तो है 5 गुना, तो 8 5 40, और 3 साल बाद है उसका 3 गुना, तो 16 3 48, ये 5 साल पहले का दोस्तों, ये 3 साल बाद का, 5 3 8 साल का फासला हो गया, क्या इधर भी 8 साल का फासला है 40 और 8 48, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर ये आएगा, बस यही करना था हमें। ये था दोस्तों ऑप्शन से, अब इसको हम एक बाई मेथड भी कर सकते हैं। मेथड क्या है ध्यान से देखना, आगे वाले प्रश्नों में काम आ सकता है। ये जीरो लिख लो यानी वर्तमान आयु, ये पहले की, ये इधर लिखेंगे बाद की आयु, इधर हो जाएगा हमारे पास पिता, इधर हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। अब जीरो के सामने लिखेंगे वर्तमान आयु, पहले की आयु होगी वो ऊपर लिख देंगे, बाद की होगी वो नीचे लिख देंगे। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 5 साल पहले ये वर्तमान है दोस्तों, ध्यान देखो ये क्या है वर्तमान है, तो यहाँ से 5 साल पहले ये हो गया 5 साल का फासला, पिता की आयु पुत्र की 5 गुना थी, तो 5 गुना थी पुत्र मान लिया 1, तो 1 हो गया पिता क्या हो गया 5 गुना, नहीं 5 हो गया, 5 गुना में दोस्तों 5 अनुपात 1 होता है, 3 गुना में 3 अनुपात 1 होगा, ये ध्यान रखना। एक बार 3 वर्ष बाद ये वर्तमान हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या जाएगी 3 गुना हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, होगा बस। अब ध्यान देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना अलग अलग है, अगर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस अलग अलग आए तो इसको साइड में घटा दो दोस्तों, ऐसे 5 में से 1 गया 4 आ गया, और 3 में से 1 गया कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करना दोस्तों ध्यान से देखो, जो डिफरेंस आया दोनों का, इस डिफरेंस की गुणा इससे करनी है, इस डिफरेंस की गुणा इससे करनी है, तो कर दो पहले इसी कर दो, 2 की 2 5 10 और 2 एकम 2, जब ये गुणा आया तो इसको दोस्तों काट देना, इसका कोई यूज नहीं है, और इसको भी काट दो। अब इसकी गुणा सॉरी इस अंतर की गुणा इससे कर दो, 3 चौके 12 और 4 एकम 4 ये आ गई, तो अब नीचे वाले को दोस्तों काट दो, इसका भी कोई यूज नहीं है। अब ध्यान से देखो इसको काट दो, 2 से 4 कितना बड़ा 2 और 10 से 12 कितना बड़ा 2, यानी कि दोस्तों 2 अनुपात बड़ा कितने साल में, यहाँ से आने में लगे 5 और 3 है 8 साल, यहाँ से आने में कितने लगे 5, ये 3 ये कितने साल लगे 8 साल, यानी कि ये 2 अनुपात बढ़ा 2 से 4 और 10 से 12, यानी 2 अनुपात बढ़ गया कितने साल में 8 साल में, तो 1 अनुपात बढ़ा दोस्तों कितने साल में 4 साल में, यानी 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 4 आएगी, यदि 1 की वैल्यू 4 है तो इसके पास कितने अनुपात 10, तो इसकी हो जाएगी दोस्तों 10 5 सॉरी 1 की वैल्यू 4 है तो 10 ओके 40 हो जाएगी, इधर 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ये 5 साल पहले 8 का था दोस्तों, देखो 5 साल पहले का अनुपात कितना था ये 8 का, अगर 5 साल पहले 8 का तो आज कितना हो जाएगा, आज इसमें 5 प्लस कर दो 8 और 5 13, तो आज हो जाएगा ये 13 का, ये आंसर था दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको थोड़ा आप थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, टाइम वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, और ये तो आप ऑप्शन को देखते ही सोल्व कर सकते हो, एक बार कम पढ़ो इसी क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, प्रत्येक लड़के को 10 रुपये तथा प्रत्येक लड़की को 20 रुपये मिलते हैं, और इस प्रकार कुल 280 रुपये बांटे गए हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों, ध्यान देखो लड़कों की संख्या क्या है, तो ध्यान देने की बात है दोस्तों, अगर लड़के हमारे पास 25 हुए, लड़के कितने हुए 25, ध्यान देगा ना बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, लड़के 25 हैं और एक लड़के को 10 रुपये मिल रहे हैं, एक लड़के को 10 रुपये मिल रहे हैं,
और लड़के हैं कितने 25। यदि एक लड़के को 10 मिले तो 25 लड़कों को कितने मिले दोस्तों, 25 लड़कों को मिल गए 250, तो पीछे 30 रुपये मिले। 280 में ध्यान देखो, इधर 280 था हमारे पास, कितना था 280, तो ये 250 आ चुका। क्या लड़कियों को केवल 30 रुपये मिले होंगे? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, एक ये देखो 15 का, अगर लड़कों कितने मिले हों 150, अगर 15 लड़के हमारे पास, कितने लड़के हैं 15, तो यहाँ हो गए कितने 150, कितने हो गए 150। अब बात ये हो रही दोस्तों, मैं ये ऑप्शन क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए कि लड़के 10 रुपये ले रहे हैं एक, और जो लड़कियां हैं वो एक ले रही है 20 रुपये, और उस पर कंडीशन है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दो कम है, लड़कियों की संख्या से क्या है दो कम है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक ही एग्जैक्ट बात, उसी पर फोकस कर लो बस। अगर लड़के 25 हैं तो लड़कियां दो अधिक होंगी, लड़कियां क्या होंगी दो, ध्यान देखो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दो कम है, मतलब यहाँ पर लड़के लड़कों से दो ज़्यादा है लड़कियाँ, तो लड़कियाँ अगर लड़के 25 है तो लड़कियाँ दोस्तों होगी हमारे पास कितनी 27। अगर एक लड़की को 20 रुपये मिलेंगे तो 27 मिले, 57 54, 540 मिलने चाहिए दोस्तों, लेकिन हमारे पास 540 नहीं, टोटल कितना है 280 बचा, ये नहीं हो सकता। उसके बाद इसकी तरफ देखते हैं, 15 हमारे पास लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएंगी दोस्तों कितनी दो अधिक 17, एक लड़की को मिले दोस्तों कितने 20 रुपये, तो 17 लड़कियों को कितने मिलेंगे 17 × 34 = 340 रुपये, लेकिन बटे दोस्तों कितने 280, तो 25 ऑप्शन नहीं हो सकता, 15 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बारी किसकी दोस्तों, 8 छोटा लेंगे, बिल्कुल देखो ध्यान से देखो, 8 में अगर हमारे पास 8 लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएंगी 10, क्योंकि दो फालतू हैं, एक लड़कों को मिले कितने 10 रुपये, एक लड़की को मिले कितने 20 रुपये, इन दोनों को, एक लड़के को 10 मिले तो 8 को मिले दोस्तों 80, एक लड़की को 20 मिले तो 10 लड़कियों को मिले कितने 200, और 280 टोटल कितने मिले 280, तो दोस्तों ये ऑप्शन होगा हमारा कितना 8, क्योंकि 280 रुपये हमारे बटे थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 को पी माइनस 1 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, धनात्मक इस प्लस का आएगा, शून्य आएगा, या ऋणात्मक इस माइनस का आएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों बहुत ही आसान है इसका, मैं आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ, आप इसको बड़ा जल्दी कैसे करोगे ध्यान से देखने, एक बार ये पी माइनस 1 है, इसको आप बराबर 0 दो एक बार, और यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी पी का मान आ गया हमारे पास दोस्तों 1। ये यहाँ पर जो पी माइनस 1 ये इधर माइनस है, पी का मान प्लस में रख दो, यानी माइनस 1 दो पी का मान हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 होता तो पी का मान होता माइनस 1, यानी पलटना दोस्तों में बस, तो यहाँ से माइनस 1 बराबर 0 रख के पी की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस होगा, पी की वैल्यू कितनी होगी प्लस 1। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में जहाँ पर भी पी है वहाँ पर हमें मान रखना है कितना 1, क्या रखना है 1, तो दोस्तों करते हैं एक बार, हमारे पास क्या था पी स्क्वेयर, तो पी की जगह रखना में क्या 1, तो 1 का स्क्वेयर हो गया, देखो दोस्तों पी स्क्वेयर था तो पी की जगह रखने में 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वेयर, फिर माइनस 6, फिर पी है पी की जगह फिर 1 रखना है, क्या रखना है 1 रखना है, प्लस का कितना दोस्तों 7, कितना है 7, अभी सोल्व कर लो, 1 का स्क्वेयर कितना आएगा 1 आएगा, 6 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी दोस्तों 6 आएगी, और आगे 7 का 7, अब ध्यान से करो 7 प्लस का और 1 प्लस का, 7 और 1 कितने हो गए दोस्तों 8, यहाँ पर माइनस कितना है 6, 8 में से 6 का कितना बच गया 2, ये दोस्तों पॉजिटिव है धनात्मक है, तो आपको उत्तर क्या आएगा धनात्मक आएगा, क्या आएगा धनात्मक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 2px यदि 2px यानी 4x² प्लस 2x माइनस 5a का एक शून्य का, शून्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, यानी इस पूरे का जो मान है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, कितनी है 2, तो हमें बताना a का मान कितना है, a का मान कितना है, यानी इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या है 2 है, तो हमें क्या बताना है, यानी इसमें एक शून्य का, शून्य में से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 2 रखनी है, और बाद में हमें वैल्यू बतानी किसकी a की, तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, जहाँ पर भी इसमें देखो दोस्तों ये पी एक्स है, पी एक्स, एक्स का मान कितना हमारे पास 2,
एक्स का मान कितना है टू, तो जहाँ पर इस समय एक्स है उसको क्या रख देंगे हम, टू रख देंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास कितना है फोर एक्स, ये देखो ध्यान से फोर एक्स, एक्स ये क्या रखेंगे हम टू रखेंगे, क्या रखेंगे टू, तो फोर एक्स का स्क्वेयर यानी टू का स्क्वेयर प्लस टू, फिर आगे क्या है एक्स, तो इस एक्स से क्या रख देंगे हम, फिर रख देंगे यहाँ पर टू और माइनस का फाइव ए, और दोस्तों इसको रख दो बराबर जीरो, क्या रख दो इसको बराबर जीरो रख दो, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको को लेते टू का स्क्वेयर फोर, और फोर फोर की मल्टीप्लाई फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस टू टू जा फोर यानी दो दूनी चार माइनस फाइव ए का फाइव ए इक्वल टू जीरो आ गई दोस्तों, क्या आ गई जीरो। अब सोलह और चार कितने हो गए बीस, बीस माइनस फाइव ए यानी बीस घटा में पाँच ए बराबर है जीरो, तो हमें क्या करना है इस पाँच ए को उधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा दोस्तों हमारे पास फाइव बीस बराबर है, ये माइनस का इधर किया जाएगा प्लस का हो जाएगा पाँच ए, और ए की वैल्यू निकालनी दोस्तों में तो ये हो जाएगा हमारे पास ये ए यहाँ रखो इस पाँच गुणा में इधर के भाग में आ जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा पाँच नीचे आ जाएगा दोस्तों गुणा में था तो पाँच चौके बीस यानी ए की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी आ गई चार, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है चार, तो दोस्तों हमारा आंसर था बी, कौन सा आंसर था बी। तो इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों ये देखना पी एक्स तो एक्स की वैल्यू होती है ये और वहाँ पर एक मिसिंग था उसको बराबर जीरो कर दो और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चार एक्स स्क्वेयर प्लस आठ एक्स प्लस थ्री, फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो है, इस समीकरण का हल क्या है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान से देखते हैं हम, इस आगे एक्स के आगे जो भी होता है उसकी मल्टीप्लाई जो बिना एक्स का होता है उससे गुणा करते हैं, पीछे पीछे वाले से गुणा करते हैं, पीछे वाले के आगे वाले गुणा करो दोस्तों एक बार सबसे पहले, तो चार तीय बारह, हमारे पास दोनों ही गुणा कितनी आ गई बारह आ गई दोस्तों, कितनी गुणा आ गई बारह। अब बारह के ऐसे टुकड़े करो जोड़िया घटा कितना है एट, जोड़िया घटा कितना है एट, तो बारह के दो टुकड़े कर लिए हमने, क्या कर लिए दो छके बारह, क्या कर लिए हमने दो छके बारह, इन दोनों की गुणा तो आनी चाहिए और इन दोनों का जोड़ आना चाहिए दोस्तों बीच वाला, हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो यह आए और इसका दो फैक्टर बढ़ने हैं उनका जोड़ कितना आए या माइनस ये आए, तो छः और दो आठ, ये हमारे पास दोनों टुकड़े हो गए दोस्तों। अब इसको लिख लें हम, पहला डिजिट होता है सेम टू सेम होता है, उसके बाद यहाँ लिख लें क्या दो एक्स और छः एक्स, क्या लिखेंगे दो एक्स प्लस में छः एक्स, ये बड़ा सेम दोस्तों, ये सेम आएगा और ये सेम आएगा, इसको ही थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना होता है बस, ये होता है इसमें कुछ नो बेटा सर आदमी। उसके बाद आगे क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन है दोस्तों टू एक्स, कितना है टू एक्स, ये टू एक्स कॉमन निकालिया हमने, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया टू और एक बच गया एक्स, प्लस टू एक्स कॉमन था तो यहाँ बच गया वन बच गया, यहाँ से क्या आ जाएगा थ्री कॉमन आ जाएगा प्लस का हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स प्लस में वन। ध्यान रहे दोस्तों ये और ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए हमारे पास। अब x के आगे वाला और x के आगे वाला लिख लो, यानी एक आ गया हमारे पास 2x प्लस में 3, यानी एक ये लिख लिया दोस्तों एक ये लिख लिया, अब एक इनमें इसको एक लिख लो यानी 2x प्लस में 1, ये हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन हैं। और भी अगर हमें इसका मान निकालना हो तो दोनों को बराबर जीरो कर दें, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, इधर आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये गुणा में आके भाग में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 3 बाई टू माइनस का, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का, इधर क्या आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर x की वैल्यू आ गई माइनस एक बटे दो, तो दो दोस्तों ये आ गए इसके शून्य, क्या आ गए इसके शून्य। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में आया था ये मैंने आपको इसलिए बताया था, इसमें मैंने क्वेश्चन था बिल्कुल क्लियर लिया था, बिल्कुल सिंपल लिया था, अब ये थोड़ा दिखने में हार्ड है लेकिन सेम वैसे इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस थ्री अंडरूट फाइव, अंडरूट फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस थ्री अंडरूट फाइव इज इक्वल टू जीरो है, तो इसके हमें हल ज्ञात करने हैं, इसका सोल्यूशन निकालना है दोस्तों। सेम वही प्रोसेस लगे दोस्तों, पीछे वाले के लिए इसके एक्स स्क्वेयर आगे जो भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों अंडरूट पाँच मल्टीप्लाई थ्री अंडरूट पाँच।
अब अंडरूट फाइव की और फाइव की मल्टीप्लाई दोस्तों होती है फाइव, क्यों पापा पच्चीस, पच्चीस का अंडरूट होता है पाँच, और गुणा में ये तीन कर लो दोस्तों, यहाँ से गुणा आ गई पंद्रह, कितनी आ गई पंद्रह। अब पंद्रह के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका जोड़ या घटा कितना है आठ, तो पंद्रह के दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो दो होते हैं क्या, पाँच तीये पंद्रह, क्या होते हैं पाँच और तीन, पाँच तीये पंद्रह, दोनों ही गुणा रही पंद्रह और दोनों का जोड़ कितना आएगा आठ। माइनस के लेने दोनों, क्योंकि माइनस का आठ है, दोनों को माइनस ले लेंगे बस, मन की बात। अब देखते हैं दोस्तों, ये पहला सेम टू सेम अंडर रूट फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको तोड़ के लिखना है, क्या लिखना हमें, पाँच एक्स माइनस का तीन एक्स, टोटल हो जाएगा माइनस का आठ, ये भी दोस्तों सेम टू सेम आ जाएगा, प्लस का थ्री अंडर रूट फाइव। अब वही आगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में दोस्तों ध्यान रखिए क्या कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट फाइव दोनों में कॉमन है, लेकिन दिख नहीं रहा दोस्तों, अंडर रूट फाइव कॉमन लेंगे, बताऊँ क्यों लेंगे, अंडर रूट फाइव और एक एक्स ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया हमारे पास क्या एक्स, क्या बच गया एक्स, और यहाँ देखो इसकी और इसकी इसके और इसकी मल्टीप्लाई ये आने चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखें कि पाँच आ जाए, तो आप अंडर रूट पाँच लिख दो, क्योंकि अंडर रूट पाँच गुना क्या आएगी पाँच ही आएगी, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों। इधर इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लेंगे, दोनों में से कॉमन दोस्तों थ्री, कितना कॉमन है थ्री, कौन सा माइनस थ्री कॉमन है, तो यहाँ बच गया एक्स, इधर आ जाएगा माइनस का अंडर रूट फाइव, एक दोस्तों वही इसके आगे वाला और एक इसके आगे वाला ले लेंगे, तो अंडर रूट पाँच एक्स माइनस थ्री, और ये आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट पाँच, बराबर जीरो था दोस्तों, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, यानी अंडर रूट पाँच एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, माइनस का इधर जाएगी प्लस का हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा इसमें भाग में, तो एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी थ्री बाई अंडर रूट फाइव, इधर से ये और आ जाएगी एक्स माइनस अंडर रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का जाके हो जाएगा दोस्तों ये प्लस का, यानी एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट फाइव, ये दोस्तों इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी एक समांतर श्रेणी है, ये दोस्तों एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी ध्यान से देखना आप, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, समांतर से देखो समानांतर श्रेणी है, समानांतर में समान अंतर हो, अंतर कितना हो समान अंतर, नहीं बीच का डिफरेंस हो सेम होना चाहिए, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो सेम होना चाहिए, अगर जिसका बीच का अंतर सेम है वही क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। यहाँ देखो दोस्तों ध्यान से, एक और एक बीच में अंतर है जीरो का, यहाँ पर अंतर होगा एक का फिर जीरो का फिर एक का फिर जीरो का, तो सब में अंतर बराबर नहीं, एक जीरो जीरो लग गया तो एक का तो एक का होना चाहिए, जीरो तो जीरो होना चाहिए, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखो, इसमें से देखो इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटाओ और इसमें से ये घटाओ, अगर अंतर सेम आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है, यहाँ पर भी अंतर सेम नहीं आएगा दोस्तों, ये भी नहीं है। उसके बाद एक बटा दो एक का आधा, फिर एक बटे दो का आधा एक बटे चार, एक बटे चार का आधा एक बटे आठ, ये दोस्तों गुणोत्तर है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद बचे क्या, ये हाँ ये है, ये एक अंडर रूट तीन है, ये दोस्तों दो अंडर रूट तीन है, ये तीन अंडर रूट तीन है, और ये चार अंडर रूट तीन है दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया ये। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लास्ट में लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं। अब ये जो कोट थीटा दे दिया हमारे पास क्या, एम कोट थीटा बराबर है एन, तो दोस्तों कोट थीटा होता है, मैं एक बार थोड़ा इसे सोल्व करेंगे, कोट थीटा बराबर है एन, ये गुणा में है हमारे पास, तो इधर आके किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी कि कोट थीटा बराबर है एन बटा एम, और दोस्तों कोट थीटा को एक चीज़ और लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि टेंजेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट होता है साइन बटे कोस, तो कोट हो जाएगा कोस बटे साइन, और इसकी वैल्यू दोस्तों ये होगी, तो ये दोनों बराबर था, ये भी यहाँ पर बराबर आ जाएगा एन बटे में एम। अब ध्यान से देखो दोस्तों, कोस ए है उसका मान आ गया एन, और साइन ए है उसका मान आ गया एम, जहाँ पर कोस ए है वहाँ पर रखेंगे एन, और जहाँ पर साइन ए है वहाँ पर रखेंगे एम, बस इतना था दोस्तों आंसर कर दो। साइन ए की जगह रखना है एम, तो यहाँ पर ये एम और एम, तो एम गुणा में एम हो जाएगा दोस्तों माइनस, आगे एन है तो कोस ए की जगह रखेंगे, कोस ए की जगह रखेंगे एन लिखेंगे, तो एन गुणा में एन आ गया बटे में, नीचे क्या हमारे पास एन है गुणा कोस ए की जगह, कोस ए की जगह रखेंगे एन, यहाँ पर एन आ गया, फिर प्लस का निशान था हमारे पास, आगे एम है, और साइन ए की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, साइन ए की जगह रखेंगे एम, ये एम आ गया। ध्यान से देखो, एम एम की गुणा क्या आएगी दोस्तों, एम स्क्वायर आएगी, और एन एन की गुणा
अनस्क्वेयर आ गई। इधर फिर क्या है अपॉन में देख नीचे, नीचे आ गया अनस्क्वेयर प्लस नीचे आ गया अनस्क्वेयर। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, बस इतना था दोस्तों। कितना आसान प्रश्न था, बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ दिया, इसको टच भी नहीं किया। आगे से ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, आप नौवीं और दसवीं क्लास के पाँच छः टॉपिक हैं, एक तो पी है समांतर श्रेणी पाँच का टॉपिक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है पोनोमिल्स है नाइन्थ क्लास का और टेंथ क्लास का, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस क्वेश्चन आए थे ये, और टिग्नोमेट्री का, ये चार या पांच टॉपिक आप जरूर करो। मैं गारंटी से कहता हूँ अगले एग्जाम में आप जो 17-18 का होगा उसमें कम से कम भी पाँच या छः क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।